नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साल 1980 के दशक में चीन की पॉलिसी यही थी कि दुनिया से पंगा मत लो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो। परंतु साल 2012 में शी जिनपिंग के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बनने और राष्ट्रपति की शपथ लेते ही चीन में धीरे धीरे आक्रामकता का संचार हुआ। जो देश दुनिया के मसलों से दूर अपने विकास के पथ पर बढ़ रहा था, शी जिनपिंग ने उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भट्टी में झोंक दिया। आज चीन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देशों के साथ टकराव के मुहाने पर खड़ा है, तो उसकी जिम्मेदार जिनपिंग की नीतियां हैं जो यकीनन चीन के पतन का कारण बन सकती है। चीन के विकास का पहिया शांत तरीके से आगे बढ़ रहा था, मगर अब वह न केवल रुक गया है बलकि उसके पिछड़ने का जोखिम भी मंडराने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन को गर्त में ढकेलने का एक और बड़ा कदम उठा दिया है। उन्होंने सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हुए देश की सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और 20 लाख सेना के प्रमुख जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्मड फोर्स के प्रतिनिधियों की पूर्ण बैठक में हिस्सा लेते हुए यह टिप्पणी की। उनकी यह टिप्पणी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच करीब 20 दिन से जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि में आई है, यानी चीन एक अघोषित जंग की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां भारत से ज्यादा चीन को नुकसान उठाना पड़ेगा। खास बात यह है कि नासमझ जिनपिंग खुद ही अमेरिका के जाल में उलझते जा रहे हैं। जो जंग अमेरिका के साथ होनी थी, अब उसका मुंह भारत की तरफ मुड़ चुका है, जबकि भारत की तरफ से चीन के सामने नहीं झुकने के संदेश ने उसकी हालत और पतली कर दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन भारत सीमा पर हो रहे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपत्ति जता रहा है, वह किसी भी सूरत में नहीं रोका जाएगा। भारत ने कहा है कि जब चीन अपनी सीमा में इस तरह का निर्माण कर रहा था, तब उसने भी कोई सवाल नहीं उठाया था। चीन के इस व्यवहार को दुनिया विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देख रही है। इस आक्रामकता के पीछे कोरोना वायरस को लेकर चीन पर बढ़ता दबाव, उसकी ठप होती अर्थव्यवस्था, हांगकांग और वियतनाम से दुनिया का ध्यान हटाने या फिर भारत द्वारा पीओके पर एक्शन की तैयारी से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि चीन ने 2049 में जो सुपर पावर बनने का सपना देखा था, चीन अब उसका अभ्यास कर रहा है। पर लगता यूं है कि शी जिनपिंग की देश में कम होती लोकप्रियता और उनकी गलत नीतियों की वजह से दुनिया में चीन के खिलाफ जो वैश्विक गठजोड़ बन रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए लोगों में इस तरह का अनुवाद पैदा किया जा रहा है, जिससे जिनपिंग के खिलाफ उभरता गुस्सा शांत किया जा सके। इन्हीं हालातों में चीन ने लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि गलवान वैली में चीन की सेना ने करीब 100 टेंट्स लगा लिए हैं। ये सब पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुआ है। इस सीमा के आसपास 5 पॉइंट्स पर चीन के हजारों सैनिकों का जमावड़ा बढ़ गया है। खास बात यह है कि इसे 1962 के युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी तनाव की स्थिति कहा जा रहा है। इसी बीच मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। इसके अलावा इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि भारत अपने रुख पर अड़ गया है और उसने चीन के सामने नहीं झुकने का फैसला किया है, जबकि चीन भी इस मुद्दे पर कोई बातचीत करने के मूड में नहीं लग रहा है। हालांकि इन सब के बीच चीन और भारत के उच्च सेना अधिकारी इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी कारगर होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गत 5 मई को लद्दाख की पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी दोनों देशों के सैनिक आपस में टकरा गए थे। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि वर्तमान में हालात तनावपूर्ण जरूर है, मगर खतरनाक नहीं है। परंतु चीन जिस तरह पीछे से वार करता है, वह भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। चीन युद्ध बेशक न चाहे, पर वह युद्ध कर भी सकता है, क्योंकि चीन के घरेलू हालात उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर चीन अगर यह कहता है कि वह 1962 वाला चीन नहीं है, तो उसे भारत को भी 2021 के चश्मे से देखना होगा। फिर इस देश का प्रधानमंत्री इस बार जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो गोली का जवाब गोली से देता है। चीन को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह प्रधानमंत्री घर में घुसकर मारता है, कहीं ऐसा ना हो कि चीनी जनता से पहले ही मोदी की मार पड़ जाए। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को औकात में रहने के आर्टिकल से उसकी जनता को तो संतावना मिल सकती है, पर उसके काले अक्षरों का भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत किसी संघर्ष के लिए तैयार भी है और अपनी बात पर अड़िग भी है। चीन के लिए एक बार फिर से लद्दाख दूसरा डोकलाम बनने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों।
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।